हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबू ऑलराउंडर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बैच 2018 की इंजीनियरिंग पोस्ट है उसकी वैकेंसियां आई हैं। तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से जो कैट स्कोर क्वालिफाई किया है 2018, 2016 और 2017 वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो कैंडिडेट पहले से मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में काम कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी रहेगा। तो टोटल 19 वैकेंसी है जिसमें 11 जनरल की रहेंगी, 4 एससी की, एसटी की 3, 1 ओबीसी जो वैकेंसियाँ रहेंगी। टोटल 6 जो वैकेंसी है वो पीएचडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी। बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो बीटेक होना चाहिए, गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पेपर से, और जो पेपर है उसी के मतलब गेट स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया जाए, उसी के मेरिट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन फाइनल माना जाए। और जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, डिपार्टमेंट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका एक अलग पेपर लिया जाएगा जिसमें 300 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन, 75 आपके टेक्निकल के, 25 जो क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहे। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर लिया जाएगा, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनी जाएगी और सिलेक्शन होगा। तो जो एज रहेगी मिनिमम वो 21 से 40 तक है एमपी कैंडिडेट के लिए, तो इसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं जैसे कि आपको mponline.gov.in के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10th, 12th कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं है, खैर आपको इसके लिए प्रोविजनल डिग्री की सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी। जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट हैं उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी रहेगा, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, एमपी डोमिसाइल और मेडिकल सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रहेगी, अदर कैंडिडेट के लिए 800। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी आपकी मेरिट के बेसिस पर रहेगी, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनकी मेरिट एग्ज़ाम के बेसिस पर ली जाएगी। इसमें जो अन्य कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन होगा वो और क्या क्या इसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो मैं बता देता हूँ कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 2 साल का प्रोबेशन के पीरियड के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और पास होने पर आपको परमानेंट या रेगुलर कर दिया जाएगा। और इसका जो बॉन्ड है वो 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। यदि आप सर्विस छोड़ते हैं तो आपको जो रहेगा बॉन्ड भरना पड़ेगा, और जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा प्रोबेशन के दौरान वो आपको चुकाना पड़ेगा। नोटिस पीरियड आपका 1 महीने का रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टियां भी अच्छी मिलेंगी, जैसे 7 दिन की कैजुअल लीव, मेडिकल लीव और 1 डे ऑप्शनल लीव आपको मिलेगी, लगातार 3 दिन की छुट्टियां। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का, उसको कंप्लीट करने पर आपको रेगुलर बेसिस पर लिया जाएगा, और आपकी जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 56,100 रुपये से रहेगी। साथ में आपका NPS कटेगा, ग्रुप इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के दौरान आपको TA/DA दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट डेट इसकी जो है वो 7 सितंबर 2018 है। आप केवल MP ऑनलाइन के थ्रू ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ रहे।